नमस्कार, मुंसिफ चौहान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 25 छात्रों को सीएम सोरेन ने किया सम्मानित। योजना के तहत 12,000 रुपए सालाना दी जाएगी सहायता। रांची जमीन घोटाले में प्रेम प्रकाश हुआ गिरफ्तार। अब तक छवि रंजन सहित 13 पर ईडी ने कसा शिकंजा। धनबाद से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रिम्स पहुंचे झरिया के पूर्व विधायक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। अर्जुन मुंडा ने तिरंगा फहराने की अपील की। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 25 प्रतिभावान छात्रों को सीएम हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। स्कॉलरशिप से जुड़ी कई योजनाएं झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोरेन सरकार की तरफ से चल रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत होनहार छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कैरेक्टर है इस राज्य का, जो चरित्र है, पूरे देश दुनिया में एक अद्भुत है। इस राज्य के धरती के अंदर भी और धरती के ऊपर भी प्राकृतिक ने इस राज को एक अलग तरीके से ही सजा संवार कर बनाकर इस दुनिया में जगह दी है। हमारे पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में। इस राज्य में कोई ऐसे दुनिया की खनिज संपदा नहीं है जो यहां नहीं पाई जाती है। और इसको लेकर देश आजाद से लेकर देश आजादी के पहले तक इन खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द कई व्यवसायें भी हुई। और निश्चित रूप से आज हम ये पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि यहां के खनिज संपदाओं से तो पूरा देश रोशन हुआ, कई लोग अरबपति खरबपति भी बन गए, लेकिन यहां के लोग जहां थे वहीं रह गए। और इसी को लेकर यहां पर एक लंबी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा। इस राज्य के जनमानस की रक्षा के लिए। रांची में जमीन घोटाला केस में ईडी ने आज 14वीं गिरफ्तारी के रूप में प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया, वहां उससे 5 दिनों तक पूछताछ के लिए अनुमति मिली है। ये वही प्रेम प्रकाश है जिसे नेताओं और नौकरशाहों का करीबी बताया जाता है। प्रेम प्रकाश को ईडी ने साहिबगंज में 1,000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन में गत वर्ष 25 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह को आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रिम्स रांची ले जाया गया। जेल में गिर जाने के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 जुलाई को भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था। इस दौरान संजीव सिंह की पत्नी ने उन्हें रिम्स भेजने की अपील भी की थी। आज अस्पताल के बाहर रागिनी सिंह और भाजपा के दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। रांची में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कार्यालय में स्टॉल का उद्घाटन किया।
इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि हर घर पर तिरंगा हो। हमारा स्वतंत्रता दिवस भारत का उत्सव है, इसमें सभी ही की सहभागिता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान के लिए सरकार के स्तर पर भी तिरंगा पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध कराया जा रहा है। भाजपा ने अपने स्तर पर पार्टी कार्यालय में तिरंगे की व्यवस्था की है। हम सभी उत्सवों से बड़ा अपने तिरंगे का उत्सव मनाना चाहते हैं। इस बीच केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आइए हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी मनाएं और अपने संकल्पों को दोहराएं। 15 अगस्त हम सब के लिए बहुत महत्व का दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सब प्रत्येक देशवासी अपने घरों में झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाएं और साथ ही साथ प्रेरित करें कि अमृत काल में हम किस ढंग से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी देशवासियों को झंडा फहराते हुए सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा .com पर अपलोड करें और इस उत्सव को हम अपने और अपने परिवार के साथ साथ समाज में देश भर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। जमशेदपुर में नशा मुक्ति को लेकर सीताराम डेरा और सिद्धगोड़ा थाने की पुलिस ने अभियान चलाया है। कहा कि नशे से दूर रहना चाहिए। एसपी के निर्देश के बाद नशा मुक्ति को लेकर थाने की पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। सीताराम डेरा और सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस ने चौक चौराहों के साथ साथ बस्तियों के क्षेत्र में भी माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया। दिनों में पिछले 1-2 महीने से जमशेदपुर एसएसपी सर एवं डीसी सर के आदेशानुसार निर्देशानुसार पूरे जमशेदपुर थाना जमशेदपुर जिला में खासकर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र एवं सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में जो है कि नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जोरदार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम बहुआयामी मुद्दों बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं अवैध नशा कारोबारियों को, बल्कि साथ साथ लोगों को समझा रहे हैं लोगों से। जमशेदपुर में डायन उन्मूलन के लिए पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो सेंगल अभियान के साथ मिलकर डायन बोलने वाली महिलाओं पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं साक्ची गोलचक्कर से जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। ये है नहीं, होते नहीं हैं, डायन बनाने वाले होते हैं। इसको हम लोग पुलिस प्रशासन को अभी समझा रहे हैं, अभी डीसी साहब को मिलेंगे तो ज्ञापन देंगे। तो डायन बनाने वाले कौन होते हैं? एक नंबर है सोखा, ओझा, झाड़फूंक वाला। दो नंबर है हमारे। और झारखंड के चाईबासा से इस वक्त बड़ी खबर, जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस घटना में सीआरपीएफ बटालियन के 2 जवानों को गोली लगी है। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहाँ रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज वहां पर चल रहा। लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा इस क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की सूचना भी मिल रही है। चतरा के विकास भवन स्थित सभा कक्ष में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में जिले के पदाधिकारी और मुखियाओं के साथ एक मैराथन बैठक की गई। इस बैठक में आयोग के सदस्या शबनम प्रवीण, एसी पवन कुमार मंडल, डीएसओ मोहम्मद सलमान जफर खिजरी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत बीडीओ से एमओ, जिले भर के मुखिया उपस्थित रहे। ग्रामीण और स्कूलों के बच्चों के लिए मिलने वाले एमडीएम खाद्यान्न की जानकारी इस दौरान ली गई। दुमका जिला रानेश्वर प्रखंड अंतर्गत सालसोला पंचायत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चाकपोलसा में शिक्षक की मनमानी प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग को लेकर आए दिन बड़े बड़े वादे करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए पानी की तरह
बहाए जा रहे हैं। इसमें प्रदेश में निवास करने वाले गरीब बच्चों के सरकारी विद्यालय में पढ़कर निजी विद्यालय की तरह शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा मुफ्त किताब, जूता, मोजा, स्वेटर और मध्यांतर के दौरान भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जिले के कई ऐसे विद्यालय जहां पर शिक्षकों की मनमानी के चलते ऐसे नौनिहालों का भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। गिदरो खेल छे, बच्चा खेल रहा है, मास्टर है नहीं, आपको कुछ बोल के गया क्या? अच्छा अच्छा, मैंने सकाल ही सुबह आया था। क्या नाम हुआ आपका? नाम आम है पता नहीं, आप ही खिचड़ी बनाते हैं ना? ठीक है, आपको गैस नहीं दिया है? टीचर नहीं है सर? टीचर तो घर चला गया, उसका तबीयत ठीक नहीं। मतलब अभी आया था? हाँ आया था। नहीं है घर में अभी? अभी स्कूल में नहीं है? हाँ। स्कूल खुला हुआ और टीचर है नहीं? टीचर है अभी मौजूद? अभी तो टीचर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? टीचर है? नहीं। पढ़ाता है? बढ़िया बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन अभी है? बिहार प्रदेश मुखिया संघ अपने अधिकारों के रक्षा की मांग को लेकर 16 से 31 अगस्त तक प्रथम चरण में हड़ताल करेंगे और पूर्ण रूप से कार्यों का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान पंचायतों में कामकाज ठप रहेगा। आज राज्य भर के मुखियाओं की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। अगर हम यहाँ पर आए तो शायद अब हमें देखकर और प्रेरित होगी और यहाँ पर भी वो लोग पहुँचने का कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम महिलाएं भी इन चीजों पे हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अजय चौहान जिला अध्यक्ष मुखिया सर श्रीमान, आपको ये चीजें स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पूरे बिहार का जिला के सभी सम्मानित मुखिया पंचायतों में जो अधिकार को लेकर के जो संविधान में सख्तियाँ नहीं की गई है, हम लोग बार बार सरकार से ये सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। बिहार प्रदेश मुखिया संघ की बैठक जो आयोजित की गई, भागलपुर शाखा द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के दर्जनों कर्मियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें मुहैया कराई जाए, वेतन वृद्धि की जाए और हम लोगों के काम का समय भी निर्धारित कर दिया जाए, और कई तरह की योजनाएं हैं जिसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता, उन लाभ योजनाओं को भी हमारे लिए लागू कर दिया जाए। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। पहला 8 घंटा और पेंशन का प्रावधान, दूसरा 5 लाख दुर्घटना बीमा, 5 लाख का ग्रेच्युटी और 180 दिन का पेड लीव, उसके बाद हमारे आश्रित को भी मेडिकल सुविधा, क्रमवार इस तरह हमारी मांग है। और कमलेश चंद्र कमेटी जो सरकार की ओर से गठित किया गया था, उसमें भी हम लोगों के साथ बहुत विलंब, 1/1/1916 से हमारी रिपोर्ट है जिसमें कि 12, 24, 36 मुख्य रूप से ये हमारी मांग है जो आज तक नहीं मिला है। और आरा शहर के कतीरा स्थित कंचन शैली निकेतन हॉस्पिटल में लेजर होलिनिया मशीन लगाई गई। इस मशीन की खासियत यह है कि बिना छेद बिना चीरफाड़ के कई तरह के ऑपरेशन इस मशीन के द्वारा आसानी से किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार के पटना के बाद ये फैसिलिटी है। भोजपुर के चर्चित सर्जन और अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पी सिंह ने इस मशीन की खासियत के बारे में बारीकी से जानकारी भी दी। ये लेजर मशीन बिहार में तो इसे 2-3 साल से काम कर ही रही है, खास करके पटना वगैरह या बड़े बड़े सिटीज में लगी हुई है, जो बड़े बड़े अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं अपना लगाए हुए हैं। क्योंकि मेरे यहाँ भी यूरोलॉजी काम होता है और उसके लिए पटना से हमारे यहाँ डॉक्टर नितेश कुमार जो कि MBBS MS और NCH है यूरोलॉजी में, वो आते हैं और इस मशीन से ऑपरेशन करने में हम लोगों को बहुत ही रोगी के लिए बहुत फायदेमंद हो गया है। पहले ओपन सर्जरी होता था जिसमें कि पेशेंट को बहुत परेशानियां होती थी और 8-10 दिन यहाँ रुकना पड़ता था, उसमें इन्फेक्शन होता था, हर्निया होने के डर रहते थे। बाद में फिर PCNL होने लगा, PCNL में भी बहुत सी खामियाँ इस मामले में कि उसमें इन्फेक्शन बहुत पेशेंट को हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये होलियम लेजर 35 लिथोट्रिप्सी मशीन जो है, इसमें बिना चीर फाड़ के
भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में विषहरी पूजा एक खास महत्व रखती है क्योंकि विषहरी पूजा अंग जनपद की एक लोक गाथा पर आधारित त्यौहार है। इस त्यौहार को लेकर अभी से पूरे शहर में माहौल बनना शुरू हो गया है। प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम में जुट गए हैं, जिसको लेकर आज भागलपुर के कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आज पूरे देश में फिल्म गदर 2 रिलीज हो गई है। इस बाबत आज भागलपुर के दीप प्रभास सिनेमा हॉल में भी गदर 2 देखने वालों की भीड़ लगी रही। लोगों ने जमकर फिल्म के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए, वहीं कुछ लोगों ने अनर्गल बात भी की है। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 25 छात्रों को सीएम सोरेन ने किया सम्मानित। योजना के तहत 12,000 रुपए सालाना दी जाएगी सहायता। रांची जमीन घोटाले में प्रेम प्रकाश हुआ गिरफ्तार, अब तक छवि रंजन सहित 13 पर ईडी ने कसा शिकंजा। धनबाद से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रिम्स पहुंचे झरिया के पूर्व विधायक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। और बाबूलाल मरांडी ने हरकत तिरंगा अभियान की शुरुआत की, अर्जुन मुंडा ने तिरंगा फहराने की अपील की। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।